माय गॉड। How's it? इतना खूबसूरत लग रहा है ना वेदु, ऐसा लग रहा है दैट यू आर इन माई ड्रीम्स। यहाँ से 50 स्टेप्स चलने और यू विल सी द वाटरफॉल। तो चले, ये 8 माइल शूटिंग पॉइंट है, तो ऐसे यहाँ पे बहुत सारे 9 माइल शूटिंग पॉइंट। ओह, बहुत चलना पड़ता है। तो जो मैगी वैगी खा रहे हो वो सब। बाय 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 बाय। Hey guys, this is Vaidnelli and I am Karan. Welcome back to our YouTube channel, The Kind Travelers. So this is our Ooty series. हम लोग आपको लेके चलने वाले ऊटी के पहाड़ों पर। आज हम लोग बहुत सारे places explore करने वाले और आपको भी बताने वाले कि आप कैसे ये places explore कर सकते हो। So let's go. ऊटी में explore करने से पहले हमें मिला एक cute सा surprise. तो चलो पहले ये surprise बताते क्या था और उसके बाद चलते लेकर घूमने। अभी हम लोग किधर आए हैं, किसको मिलने? तो हम लोग के लिए एक सरप्राइज है। तो मेरा भाई कजिन, वो भी ऊटी में है, तो हम लोग को पता था कि वो ऊटी में है। एंड उसका आज लास्ट डे, वो यहाँ से निकल रहा है। तो उसने बोला निकलने से पहले मैं मिल के जाऊँगा तुम लोगों को, हाफ एन आवर दूर था, तो अभी वो आने वाला है। तो उससे ज्यादा भी एक्साइटेड उसके बीबी से मिलने हैं, वो सिया से। तो लेट्स होप कि वो आया। आई गेस वो ही आया। क्या यार, पता नहीं आ गए वो लोग। हेलो सागर दादा, मुंबई के लोग मिले ऊटी में, मुंबई के लोग मिले। हाय बेबी, हेलो रानी, आज तुकड़े आले, रानी आज तुकड़े जायचे। आता तू बोलतेस ना, मला माहिती आहे तू बोलतेस। आणि आता बोलतो ती रानी आज तुकड़े जायचे म्हणते। हाय सिया, कोण आहे बाबू? ये है मेरी मासी और ये है मेरा दादा और उसकी फैमिली। हम लोग इनसे मिले, बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड किया, फिर इन लोग आगे निकल गए अपने रास्ते और हम लोग निकले अपने रास्ते घूमने ऊटी। चला बाय। बाय बाय बाय। तो हमारा डे वन का आइटनरी कुछ ऐसा होगा। हम लोग 4 स्पॉट्स कवर करने वाले हैं जो एकदम बैक टू बैक आता है, जो एक ही रूट पे आते हैं। और डेफिनेटली अगर आपका फर्स्ट डे होगा ऊटी में तो आपको ये स्पॉट्स कवर करने चाहिए, क्योंकि ये 4 से 5 घंटे में आप इजीली कवर कर सकते हो। पहुंच गए हैं पाइन फॉरेस्ट और कुछ इस तरीके से दिखता है। नीचे जाना ये है एंट्रेंस जहाँ से हम लोगों को टिकट लेना पड़ता और करण रहा है। यहाँ पर हम लोग पहुँच गए पाइन फॉरेस्ट, ये है हमारे पीछे एंट्री। यहाँ से अंदर जाते हैं, लेकिन अंदर जाने से पहले क्या करना होगा, हम लोगों को टिकट निकालना होगा यहाँ से। तो चलो टिकट निकाल लेते हैं। पाइन फॉरेस्ट जाने के लिए पर पर्सन 30 रुपीज चार्जेस थे और कैमरा के कुछ अलग चार्जेस थे। एंटर करते ही मुझे यहाँ पे इतने क्यूट मंकी की फैमिली दिखी और मुझे मेरे बाली के दिन याद आ गए। दे आर सो क्यूट। ये छोटू वाला तो कितना क्यूट है, कैसा लग रहा है करण? सो क्यूट राइट? बाली याद आ गया ना, बाली याद, मंकी फॉरेस्ट। यस, इतने प्यार कर रहे हैं ये देखो फैमिली। चलो चलते हैं अंदर। ओ माय गॉड, ये ट्रीज कितने बड़े हैं करण। ये 50 फीट तक इनका हाइट होता है। 50 फीट तक? 50 फीट मतलब मेरे जैसे कितने लोग, 8 करण कम से कम। 8 भी कम बोल रहे हैं तो मुझे लग रहा है ज्यादा देख के। 50 फीट मतलब ऐसा, उससे भी ज्यादा हाइट होता है उनका, 50 फीट से और भी ऊपर एकदम। ये पूरा एरिया पाइन ट्रीज से भरा हुआ है, इसलिए इसे पाइन फॉरेस्ट कहते हैं। और ये 8 AM को ओपन होता है और 6 PM को क्लोज। और रास्ता यहाँ का ना कोई रास्ता नहीं है, बहुत अनइवन है, कहीं पे भी बीच में पत्थर है। तो जब आप आ रहे हो तो बहुत कम्फर्टेबल शूज पहन कर आना। स्लोप है तो भी केयरफुल गाइस। करण एक बच्चे को हेल्प कर रहा था, वेलकम वेलकम, क्योंकि वो बंदर से डर रहा था। तो करण ने उस बच्चे को हेल्प किया। चलो अभी हम लोग कुछ फोटोज और रील्स ले रहे हैं, यहाँ पर कुछ फोटोज खींच रहे हैं जो बहुत अमेजिंग आ रहे हैं। और इंस्टाग्राम पे जाकर वैदु को फॉलो जरूर करना एंड करण को भी फॉलो करना, करण को भी लाइक और कमेंट और शेयर, मतलब यहाँ पे लाइक कमेंट शेयर करना और वहाँ पर फॉलो करना, करना। चुपर। व्हिच सिटी आर यू फ्रॉम? केरला। केरला तो हमारे कुछ बच्चे मिले, बोलो कुछ बोलने चाहते हैं इन लोग। Tell, tell, tell. What are you saying? Larissa screaming. Thank you so much. Hope इन्होंने यही बोला। Welcome, welcome, welcome. Hope इन्होंने यही बोला है कि subscribe करना। Hi कर दो एक hi. Hi.
तो सामने एक लेक है, हम लोग वहां पर जा रहे हैं, वहां के लिए उतर रहे हैं। 5 मिनट में आप पहुंच जाओगे वो लेक के इधर, तो चलो चलते हैं, देखते हैं कैसा है। सोचा आप लोगों को व्यू दिखा दे, है ना। yes. तो ये है सामने का लेक व्यू, और आप नीचे उतर सकते हो, जा सकते हो। यहाँ पर बोटिंग वगैरह नहीं होती है। लेक व्यू के साथ आप यहाँ पर टाइम स्पेंड कर सकते हो, हाफ एन आवर इज मोर देन इनफ यहाँ पे बैठना, और उसके बाद आप जा सकते हो नेक्स्ट स्पॉट की ओर। उतरना तो ठीक है, लेकिन चढ़ने में थोड़ा सा है ना। और चीज हम बताना भूल गए, चढ़ने में बैंड बचती इतनी भी नहीं, पर थोड़ी सी। अब हम चल रहे हैं हमारे सेकंड स्पॉट की ओर। वो यहाँ से पाइन फॉरेस्ट से वो स्पॉट की ओर जाने के लिए हमें 10 से 15 मिनट बस लगने वाले हैं, और बहुत ब्यूटीफुल रास्ता होने वाला है। एंड आपको ना रास्ते में बहुत सारे जगह पे हर 15-20 मिनट पे आपको कुछ ना कुछ खाने के ऑप्शंस मिल जाएंगे। यहाँ हम रुके हैं, नो चिली नो पेपर ओनली मैगी मसाला। तो यहाँ पे हम लोग मैगी खाने वाले हैं, करण को मैगी खाने का मन कर रहा है। एंड यहाँ पे भी कोई पॉइंट है, पर यहाँ पे हम बाद में जाएंगे, हम लोग अभी फिलहाल कोई और पॉइंट पे जा रहे हैं। तो पहुँचने के बाद आपको समझ जाएगा कि कहाँ जा रहे हैं, तब तक मैगी खा लेते हैं। इन्होंने मुझे कहा भैया ने कि ये 8 माइल शूटिंग पॉइंट है, तो ऐसे यहाँ पे बहुत सारे 9 माइल शूटिंग पॉइंट, 8 माइल शूटिंग पॉइंट, जहाँ पर बहुत सारे तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट है। तो हम लोग 9 माइल शूटिंग पॉइंट पे भी जाएंगे और मस्त वीडियो बनाएंगे। चलेगा शूटिंग पॉइंट पे शूट करके आएंगे। एक्चुअली वहाँ पे बहुत सारी पुरानी और नई बॉलीवुड फिल्म शूट हुई है, तो वहाँ पर ही जाके आपको बताते हैं ना कि क्या क्या हुआ है। चलेगा। और वैदू कर रही है व्लॉग एडिट। देखो गाइस, हम लोग थोड़ा सा घूमते हैं, थोड़ा सा ब्रेक मिला तो फटाफट आपके लिए वीडियोस एडिट करने बैठ जाते हैं। क्योंकि काफी ज्यादा लंबा ब्रेक हो गया था एक बीच में, लेकिन अभी ट्राई की बैक टू बैक हो, लेकिन जितना होता है कोशिश ऐसी ही रहती है। और हमारा मैगी हो गया है रेडी। दिखाओ, गरम है? यस, गरम गरम। क्या हुआ उधर, क्या लगा देखो? भाई मेरे आँख में मेरे बाल चला गए। क्या लड़की है रही है, मैं डर गया, मेरे को लगा क्या हुआ। How's it? This is मैगी। चलो मैं भी खा लेता, देखो टेस्टी टेस्टी। करण ने ऑर्डर किया है ब्रेड ऑमलेट, जो बहुत ज्यादा टेस्टी दिख रहा है। बहुत ज्यादा, मतलब मुझे ब्रेड ऑमलेट बहुत पसंद है, बाहर का बहुत गर्म है। आराम से, आराम से। तो हम लोग ये एंजॉय करते हैं और आपको आगे मिलते हैं। ये खा लेते हैं और फिर आगे लेके चलते हैं, पक्का प्रॉमिस, इस बार नहीं। तो ये है शूटिंग स्पॉट, और यहाँ पे काफी सारी गाड़ियाँ खड़ी है, वेट कर रही है, क्योंकि इन लोग यहाँ पे घूम रहे, लगता है यहाँ से एंट्री है। यहाँ पे हम बाद में जाएंगे। ओ माय गॉड, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, जूम करके दिखाते हैं, रुको गाइस। ये है वेनलॉक्स नेचर ट्रेल। तो ये है 9 माइल शूटिंग पॉइंट, यहाँ पर बहुत सारे बॉलीवुड फिल्म्स की शूटिंग होती है। यहाँ पर बहुत धूप थी, इसलिए हमने सोचा कि चलो आगे जाते हैं, और जब सनसेट का टाइम होगा तब यहाँ पर एक्सप्लोर करेंगे। तो अब हम पहुंचे हैं कहाँ करण? पाइकारा वाटरफॉल। तो चलो चलते हैं। यहाँ पे वैदू रुकी है, और यहाँ पे है वाटरफॉल का रास्ता, और यहाँ पर ना एक इलेक्ट्रिक कार जाती है 20 रुपीज में, आपको नीचे छोड़ती है 300 मीटर। तो हम लोग वो कार का वेट कर रहे हैं, वो कार से जाएंगे नीचे। तो एक ऐसी बैटरी कार होती है, ये आपको लेकर जाती है नीचे, बट इसके लिए कोई क्यू नहीं है, आपको बस खड़े रहना है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। तो ये कार के लिए हम लोगों को काफ़ी टाइम रुकना पड़ा, और जैसे ही कार आ रही थी वैसे ही लोग कैसे भी चढ़ रहे थे, बिकॉज देयर वाज नो क्यू। तो ये एक चीज़ मुझे यहाँ की अच्छी नहीं लगी, बट चलो आगे देखते हैं कैसा होता है। तो ये पाइकारा फॉल का एंट्रेंस है, यहाँ पे एटलीस्ट लाइन तो है इस गाड़ी के लिए, लेकिन वहाँ पे लाइन नहीं थी, तो वहाँ पे बहुत गंदा एक्सपीरियंस था, क्योंकि लोग लिटरली झगड़ा कर रहे थे सीट के लिए। जैसे तैसे हमको सीट मिल गया, हम लोग यहाँ पहुँच गए। तो आप लोग भी जब आओगे तो बी केयरफुल, और थोड़ा सा मुंबई लोकल के स्किल्स दिखाना गाड़ी में चढ़ने के लिए। तो कुछ इस तरीके से इस वाटरफॉल का एंट्रेंस था। अंदर एंटर करते ही मुझे सिर्फ माउंटेन्स दिख रहे थे और एक बड़ा सा वैली दिख रहा था। फिर यहाँ पे भी एंट्री फीस होती है कुछ 30 रुपीज पर पर्सन, और हमें वहाँ पर जाना है अभी। वेलकम टू पाइकारा वाटरफॉल्स। यहाँ से 50 स्टेप्स चलने और यू विल सी द वाटरफॉल। तो चले चलो। ओ, इतना क्यूट, चलो एक क्यूट लड़की, चलो चला। और अभी थोड़े से स्टेप्स कम्प्लीट हो गए, और हमारी लड़की ने मस्त स्कार्फ बांध लिया, क्योंकि यहाँ पर धूप है, कश्मीरी लग रही है वैदू। तू कश्मीरी लग रही है, उसका क्या करना है, देख तो कश्मीरी लड़की। एंट्री करने के बाद आपको 10 से 15 मिनट्स लगेंगे, बस वॉक करना है, और आप पहुंच जाओगे पाइकारा वाटरफॉल्स के सामने। इसका टाइमिंग 8:30 AM से लेके शाम को 5:30 PM तक है। ओ माय गॉड, इतना प्यारा वाटरफॉल। वेलकम टू पाइकारा वाटरफॉल। तो वैदू ले रही है पाइकारा वाटरफॉल्स का मजा। अच्छा लगा?
बहुत मस्त है, पर अगर पानी में उतरने मिल सके तो ज्यादा मजा आएगा, बट इट्स वेरी रिस्की, आप नहीं जा सकते। अब भी इतना ज्यादा फोर्स है बारिश में, क्या ही होता रहेगा। यहाँ से हम लोग ऊपर आ गए और यहाँ पर बैठने के लिए एक बहुत बढ़िया स्पॉट है, तो यहाँ पर थोड़ा सा बैठेंगे और वाटरफॉल का मजा लेंगे। यहाँ से हम लोग निकल गए पायखरा वाटरफॉल से और अब जा रहे कहीं और, चलो लेकर चलते हैं आपको। आने के टाइम भी हम लोग ने सोचा कि कार में आएंगे, वो बैटरी कार में, बट वो अभी नहीं है। 3:30 बज रहे हैं, शायद वो 3 बजे शायद बंद हो जाता है, तो आप लोग भी ध्यान रखना। ये अब हम लोग हैं नीलगिरी फॉरेस्ट में और हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो होने वाला है वो है नीडल रॉक व्यू पॉइंट, एंड दैट इज वन ऑफ द मोस्ट स्पेक्टेकुलर प्लेसेस इन ऊटी। तो हम लोग पहुंच गए हैं नीडल रॉक व्यू पॉइंट जो है नीलगिरी फॉरेस्ट में, राइट करण? यस, ये है नीडल रॉक व्यू पॉइंट और अभी यहाँ पे चलो चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। इधर से बहुत ब्रेथ टेकिंग व्यू होने वाला है। लेट्स सी हाउ इट इज। हेलमेट दे दो, हेलमेट दीजिए। यहाँ जाने के लिए भी टिकट लेना पड़ता है, कितना टिकट है वो करण को आने के बाद हम पूछेंगे। 20 रुपीस पर पर्सन। ओके। और सुबह 7 बजे चालू होता है और 5 बजे बंद हो जाता है। ओके, तो चलो अंदर एंटर कर लिए और रास्ता कुछ ऐसा है, बहुत ही प्रिटी, बहुत ही खूबसूरत, एकदम सपने में देखते ना हम लोग वैसा। यस। इतना खूबसूरत लग रहा है ना वेदु, ऐसा लग रहा है दैट यू आर इन माई ड्रीम्स और मैं तेको ऐसे मेरे पास आते हुए देख रहा हूँ। तो आ गए हम लोग नीडल रॉक व्यू पॉइंट, यहाँ से ओ माय गॉड, जितने दूर तक देखोगे उतने दूर तक माउंटेन्स ही माउंटेन्स। वैदु दिखाएगी हमको पॉइंट एंड पर इतना फॉग और इतने क्लाउड्स। अभी कुछ बज रहे 4 यहाँ पे, 4:30। हाँ, और यहाँ पे गिन के 10-12 लोग। माय गॉड, अभी हम लोग रिटर्न जा रहे हैं, हमको वहां जाना है गाइस। ये आधा रास्ता हम लोग ने कवर कर लिया, हम वहां पर थे एंड नाउ यहां जाना है। कोई नहीं, कर चलो। ये कुल्फी खा रहा है, देखो। वेयर डिड यू गेट द कुल्फी फ्रॉम? देर मैं नहीं खाऊंगी, तू खा लेना। वाओ, ये कितने बड़े झाड़े यार, कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना। हम लोग 9th mile शूटिंग पॉइंट के इधर है, वेनलॉक्स नेचर ट्रेल, और हम लोग यहाँ पर हॉर्स राइड कर रहे हैं। 200 रुपीज में हम लोग एक छोटा सा राइड करेंगे, देखते कैसा होता है। चलो, अपने आप चला सकती है। ओके, इस घोड़े का नाम अंजलि है और करण उस घोड़े में बैठा है। करण, तेरे हॉर्स का नाम क्या है? करण, तेरे हॉर्स का नाम क्या है? क्या क्या नाम है? राज। ये अंजलि है, तो चलो अंजलि। तो चलो चलते हैं। ओके, तो मैं और करण है शूटिंग स्पॉट में विद आवर 2 horses। यस, यहाँ पे प्रवीण भाई और राजू भाई हम लोग को एकदम मस्त लेकर आए हैं और यहाँ पे वैदु ने ना पता है खुद से चलाया घोड़ा है ना। इसका नाम क्या तो मैं भूल गई, अंजलि। अंजलि बहुत अच्छी है, खुद से चलती है। और ये राज, राज और अंजलि शूटिंग पॉइंट। अंजलि और राज से आपको क्या याद आ रहा है बताओ और कमेंट करना। कौन सी मूवी याद आ रही है? वो एक कोई तो स्टेप था ना उसका, ऐसा मैं भूल गई, गाना भी कुछ होता है। अरे तूने तो मूवी का नाम ही बता दिया पागल। कुछ करता नहीं है ना। चले, अभी कहाँ चलना है? चलो चलते, अभी थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं और उसके बाद होटल। यस, अभी क्योंकि ठंडी बढ़ती जा रही है, निकलने के पहले हम लोग ने सोचा कुछ डिश है। हाँ, जो शिंगदाना उसको बॉईल किया, पीनट्स को बॉईल किया और उसको मसाला, टोमेटो, कांदा,
सेब क्या क्या डाल के दे, जो इतना टेस्टी लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ चलो मैं भी खा के देखता हूँ ये। तो कुछ इस तरह हमारा डे वन खत्म होता है ऊटी में, पाइन फॉरेस्ट, पाइकरा वाटरफॉल, नीडल रॉक व्यू पॉइंट और नाइन्थ माइल शूटिंग पॉइंट के साथ। बाय बाय।